नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक के पंजाब स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव से पहले क्या पंजाब में होने वाला है बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन। भगवंत मान के एक थी कांग्रेस वाले बयान पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कैसे किया है पलटवार, और खन्ना में डीजल से भरा टैंकर कैसे बन गया आग का गोला। इस बुलेटिन में हर बड़ी और अहम खबर होगी, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए सुर्खियां। इस्तीफा नहीं देंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, रांची के विधायकों की बैठक में सर्वसम्मत फैसला, बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। बंगाल में कांग्रेस को दो सीट देने के पक्ष में टीएमसी। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के संयोजक के तौर पर तृणमूल ने खड़गे को नीतीश से माना बेहतर, दलित वोट का दिया हवाला। त्रिशूर में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, बीजेपी महिला सम्मेलन में संबोधन का, कांग्रेस और लेफ्ट ने हमेशा केरल के विकास को रोका। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी तैयारी, अल्पसंख्यक युवा और महिला मोर्चा समेत पार्टी के साथ संगठन के नए इंचार्ज का ऐलान। और जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर, हिजबुल के दो दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने घेरा, पुलिस सेना और सीआरपीएफ का साझा ऑपरेशन जारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब में बन रहे नए सियासी समीकरण से। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, और इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ में अकाली दल और बीजेपी कोर कमेटी की अलग अलग बैठकें हुई हैं, जिसके बाद नेताओं के बयानों से कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन हो सकता है। क्या लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या चुनाव से पहले पंजाब में होगा बड़ा सियासी उलटफेर? लोकसभा चुनाव करीब है और राजनीतिक दल गठबंधन की गांठें सुलझाने के साथ ही कुनबा बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस बीच पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को लेकर एक बार फिर कयास तेज हो गए हैं, और इसे हवा दी है बीजेपी के पंजाब प्रभारी विजय रूपाणी के बयान ने। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद विजय रूपाणी से गठबंधन को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि संभावनाएं हैं और कुछ भी संभव है। क्या बीजेपी का गठबंधन भी होगा सर? मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि अभी हम लोग 13-13 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, देखेंगे आगे हमारे हाईकमांड क्या करेंगे। सर, कोई कम्युनिकेशन किसी के साथ हुई है ऐसा कुछ श्रोमणी अकाली दल के साथ? क्योंकि वहां पे जो नाराजगियां थी वो लीडर्स तो वापस आ रहे हैं पार्टी में, और ये कहा जा रहा है कि संभावना आप जो है बीजेपी और देखिए संभावना तो संभावना शब्द ऐसा ही है, कुछ भी हो सकता है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत के बाद बीजेपी का जोश हाई है, तो शिरोमणि अकाली दल भी तैयारियां तेज कर दी है। चंडीगढ़ में जिस वक्त बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही थी, ठीक उसी वक्त चंडीगढ़ में ही अकाली दल कोर कमेटी भी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन कर रही थी। हालांकि अकाली दल ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अकाली दल के नेता बीजेपी से गठबंधन पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका गठबंधन बीएसपी से है। साडा आज दी डेट दे विच बहुजन समाज पार्टी दे नाल साडा बड़ा अच्छा रिश्ता, समझौता साडा उन्हां नाल चल रहा अलायंस, इस करके उन्हों असी स्ट्रेंथन दोनों पार्टियां कर रहे हैं। जो आज दी डेट क्या वही क्या कमेंट किया जा सकता, बाकी कल नू की होएगा जदों कोई डेवलपमेंट होएगी तो साझी करांगे, आज उहदे ते कमेंट करना औखा। दोनों ही पार्टियों के नेताओं के रुख एक दूसरे के लिए नरम नजर आ रहा है, जिससे बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन की संभावनाएं को और बल मिल रहा है। भाजपा के पंजाब प्रभारी विजय रूपाणी ने आज एक बयान जारी करके भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन की उम्मीदों को फिर से पुख्ता कर दिया है। विजय रूपाणी ने कहा है कि पार्टी ने फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन संभावनाएं बरकरार है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की भी कोर कमेटी की बैठक के बाद ये सामने आया है कि फिलहाल अकाली दल अपने पूर्व साथी यानी पूर्व में गठबंधन में सहयोगी बसपा के साथ रहेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन होता है तो फिर बसपा का क्या होगा?
कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मनजीत सहगल, चंडीगढ़ आज तक। पंजाब में एक तरफ बीजेपी अकाली दल से गठबंधन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, तो वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में दरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीएम भगवंत मान ने एक थी कांग्रेस वाले बयान के बाद कांग्रेस के नेता हैं जो भड़क चुके हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू ने भी भगवंत मान पर अपने ही अंदाज में किया है पलटवार, जिससे दोनों ही पार्टियों के बीच खाई और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नू दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। मुख्यमंत्री कहिंदा एक थी कांग्रेस। इनू मैं कहना चाहना थोथा चना बाजे घना। इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा, फिर इसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नू दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। एक थी कांग्रेस के जवाब में अब नवजोत सिंह सिद्धू ने भगवंत मान पर सीधा हमला किया है। उन्होंने सीएम भगवंत मान के बयान को बड़बोलापन बताते हुए कहा, थोथा चना बाजे घना। इसके साथ ही सिद्धू ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में आपके प्रदर्शन पर भी चुटकी ली। 70 साल पुरानी पार्टी आज साडा मुख्यमंत्री कहिंदा एक थी कांग्रेस। इनू मैं कहना चाहना थोथा चना बाजे घना। तू गल केड़ी करदा मित्र प्यारे, आ पिछले इलैक्शनां दे विच कांग्रेस नू 5 करोड़ वोटां पईआं, बीजेपी नालों भी 10 लाख वोट ज्यादा पई है, 614 इहदे MLA ने। ते अज कांग्रेस दी अगर तू गल करदा ते तुहानू उहनां 5 स्टेटां दे इलैक्शनां चों तुसीं 3 च लड़े, तुहानू 0.5% वोट नहीं पई, 0.5% वोट। सिद्धू यही नहीं रुके, उन्होंने एक थी कांग्रेस वाले बयान का उसी अंदाज में जवाब दिया, भगवंत मान को अहंकार से बचने की नसीहत दी और फिर आम आदमी पार्टी पर आरोपों की बौछार कर दी। बात शराब नीति, रेत खनन और भ्रष्टाचार तक पहुंच गई। कांग्रेस दी विचारधारा नाल जुड़े हुए हैं, देश नू आजाद करवाउण वाली पार्टी बारे कोई इहो जिहियां टुच्चियां गल्लां करे और ये सोचे भी वह ईमानदार है, इनू पुछ भी जड़ा तेरा मुख्यमंत्री कहिंदा हुंदा सीगा कि जदों लंचन लगे ED-UD दा सुनेहा आवे ते कई बंदे उत्थे जांदे नहीं, मेरा सिर शर्म नाल झुकदा है, अज भजदा क्यों है ED तों, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिंदा। 300 बार सवाल कर ले इनू भगवंत नू, और ये कहा भी अली बाबा 40 चोर का उही सिस्टम जिन्हों तू बदलन आया सी उहदे अगे लग के उहदी सरप्रस्ती कर रहे हैं, जवाब दिंदा है कहना मैं नवी गिफ्ट दिती है पंजाबियों नू, आ गोविंदवाल साहब वाला जिहड़ा थर्मल प्लांट खरीद लिया। मैं कहना पंजाब दा मुख्यमंत्री है, इनू ये पुछना चाहिए है भी की इस थर्मल प्लांट के उत्ते 6-7 हज़ार करोड़ रुपये का कर्जा नहीं चढ़िया होया, वो कर्जा कौन मोड़ू, तुसी तो मोड़ना नहीं, वो कर्जा ये चिट्टा हाथी खरीद के लिया तू, ये चिट्टा हाथी खरीद के पंजाबियों के सिर मरता, तो हुण दस भी ये 7 हज़ार करोड़ मोड़ू कौन। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने की कोशिश में लगा है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तेवरों से लग रहा है कि पंजाब गठबंधन की संभावना कम है। आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक तरफ कांग्रेस हमलावर है तो दूसरी तरफ ईडी ने पार्टी की टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 3री बार नोटिस भेजा था। बुधवार को केजरीवाल को पेश होना था मगर उन्होंने ईडी के नोटिस को गैरकानूनी बताकर पेश होने से इनकार कर दिया। अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है।
लोक सभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव जोरदार है। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तीसरी बार नोटिस दिया था, आज पेशी होनी थी, मगर पेश होने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा, ईडी का नोटिस अवैध है, गैर कानूनी है। ईडी की नियत केजरीवाल को गिरफ्तार करने की है। आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है। आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है कि चुनाव से पहले ईडी नोटिस क्यों दे रही है। ईडी के अफसरों को भी पता है कि ये समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है, और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का तो क्या जवाब देंगे। ये 21 दिसंबर 2023 इस बार अरविंद केजरीवाल ने कहा, देखिए मैं विपासना योग के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये कहना गलत नहीं होगा, केजरीवाल करते नहीं है योग, कर रहे हैं केवल शराब की काली कमाई का भोग। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से कहा है कि वो सवालों की लिस्ट उन्हें भेज दें, केजरीवाल जवाब लिखकर भिजवा देंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की योजना है ताकि वो प्रचार न कर सके, और बीजेपी कह रही है कि लागा चुनरी मैदान, छुपाऊं कैसे, ईडी के पास जाऊं कैसे। देखिए, ये ईडी का संबंध एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी कैंपेन ना करें, उनको जेल में डाल दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा हो, सिर्फ ये इच्छा है। एक तथाकथित एक्साइज का मामला जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, हजारों लोगों को ये पूछताछ कर चुके हैं, गिरफ्तार कर चुके हैं, निकला अभी तक कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मनी मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने अपने इरादे जता दिए हैं। ईडी के तीसरे समन पर भी पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं और तीसरे समन का जवाब भी अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेज दिया है। पुलिस सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, और अगर आप देखें तो यहां पे आपको गेट के बाहर खास सुरक्षा बंदोबस्त नजर आ जाएगा। दिल्ली पुलिस को यहां पर एहतियातन तैनात किया गया है, और साथ ही साथ अब जब अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेज दिया है तो जाहिर सी बात है कि अब ये भी साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में सीधे तौर पर वो केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों से टक्कर लेने के लिए तैयार है। शराब घोटाले के मामले में अप्रैल 2023 में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। इसी मामले में संजय सिंह और सिसोदिया जेल में हैं। उसी मामले में जांच के लिए ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल को नोटिस दे रही है, मगर नोटिस को केजरीवाल बैरंग लौटा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो बता दें कि ईडी केजरीवाल से सवाल जवाब करने के लिए कोर्ट से आदेश ला सकती है। पुख्ता सबूत मिले या सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं मिले तो केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है। दिल्ली से मुनीश पांडे, अमित भारद्वाज और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। लुधियाना के खन्ना में नेशनल हाईवे पर आगजनी की बड़ी घटना हुई है। यहां डीजल के चलते हुए टैंकर में अचानक से आग लग गई थी और आग इतनी भीषण थी कि लपटें 100 मीटर दूर तक नजर आ रही थी फैली हुई। गनीमत यह रही कि ड्राइवर और क्लीनर किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे हैं। हाईवे पर दिखा आग का बवंडर, डीजल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, पंजाब के खन्ना से आई भयावह तस्वीर।
टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों को देखकर हैरान होना लाजमी है। घटना लुधियाना के खन्ना जिले की है, जहां डीजल का टैंकर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टैंकर जालंधर से भरकर मंडी गोविंदगढ़ सीमा पेट्रोल पंप पर जा रहा था, और जैसे ही वो खन्ना ओवरब्रिज के पास पहुंचा, उसका टायर फट गया, जिससे टैंकर का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाईवे पर आग की लपटें करीब 150 से 200 मीटर तक फैली हुई है। अराउंड 12:30 के करीब सानू इनफॉर्मेशन आई सी कि जीटी रोड खन्ना जो सा हाईवे उत्ते ऑयल टैंकर जा रहा है, वो डिवाइडर से ही जो इनिशियल इनफॉर्मेशन है डिवाइडर साइड से ही टच हुई है टैंकर, तो उस करके वो पूरे ऑयल टैंकर ही अग लग गई थी। मतलब किसी नाल कोलिजन नहीं है जो इनफॉर्मेशन आई है, तो उस करके क्योंकि उस फिल्ड विद ऑयल तो इमीडिएटली फ्लेम्स बहुत ज़्यादा तुसी देखिया ही है कि इट वेंट अप इन फ्लेम्स। बस स्टैंड के पास हुए इस हादसे में आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही लपटे दिखाई दे रही थी। आग को देख लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक ली, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इसके बाद पुलिस ने रूट डायवर्ट कर दिया। साड़ी जड़ी सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, असी इमीजिएटली एक्ट अपॉन करके फायर टेंडर्स भी बुला ले सके। लकीली बिकॉज मंडी गोविंदगढ़ भी नाल ही है खन्ना दे, और इतने साडे लोकल ही फायर टेंडर्स है, तो 4 to 5 फायर टेंडर्स इमीजिएटली पहुँच गए, तो अग नू तुसी देख ही रहे हो बिल्कुल बुझा लिया गया है, और कोई भी जानी माली नुकसान नहीं है। जड़ा ड्राइवर तो एक होर सेगा वो SMO खन्ना दी वर्जन दे जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, एक दे थोड़ी जी उंगल ते थोड़ी जी बर्न हैगा, और दूजे दे कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, बोथ आर स्टेबल, एंड थोड़ी एंगजाइटी जरूर है इस तरह के एक्सीडेंट च, अदरवाइज किसी का भी कोई जानी माली नुकसान नहीं है। जिस समय हादसा हुआ टैंकर में ड्राइवर और क्लीनर मौजूद थे, और आग लगने के साथ उन्होंने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई। फिलहाल दोनों को सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ खन्ना मंडी गोविंदगढ़ से दमकल गाड़ियां बुलाकर आग पर काबू पाया गया। आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।